Hey guys, what's up मैं वरुण और आज हम स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग उसका यूज़ करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में जाना है और यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा आपका, लेकिन मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड होता है। अब आपका स्पीच रिकॉग्निशन तो काम नहीं करते, तो आप इसको पाई ऑडियो नहीं देखे तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाइए मेरे, और वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, ये लिंक में आप पाई ऑडियो डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आप पाइथन 3.7 यूज़ करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी पाई ऑडियो इंस्टॉल करें, तो ये बहुत हेल्प करेगा। ये एक अनऑफिशियल वेबसाइट है पर इसमें आपको पाई ऑडियो मिल जाएगा हर एक चीज़ का, हर एक यहाँ पे मॉड्यूल मिल जाता है। देखिए पाई ऑडियो में आपका कौन सा पाई ऑडियो का कौन सा वर्जन आप लेंगे, अगर आप पाइथन 37 यूज़ करते हैं 3.7 तो आप ये डाउनलोड कर लेंगे, अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और अगर 64 बिट करते हैं ये वाला डाउनलोड कर लीजिए, ये MD64 इस पर क्लिक करके आपका पाई ऑडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है और इंस्टॉल भी। तो फिर यहाँ पे आपको करना ही है कि कैसे इंस्टॉल करना है, ये आपको बताता हूँ। आप देखिए आप उसी डिक्शनरी में चले जाइए जहाँ पे आपका पाई ऑडियो इंस्टॉल है और मैं इसको कर देता हूँ ओपन शो इन फोल्डर। शो इन फोल्डर में है, उसी फोल्डर में आ गया है, उसी डायरेक्टरी में जहाँ पे इंस्टॉल है। और अब देखिए पाई ऑडियो मेरे पास है, ये आप मेरा पाई ऑडियो जो इंस्टॉल किया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आप अपनी कमांड विंडो खोलनी है, तो शिफ्ट खोल दीजिए यहाँ से। अब देखिए ये सिस्टम 32 मैं आपको खोलना है CMD और एंटर करते ही आपका कमांड विंडो खुल जाएगा डाउनलोड्स में, और जहाँ पे आप डायरेक्टली में इंस्टॉल किया होगी। अब आपको करना ये है कि आपको पाई ऑडियो का रीनेम में जाना है और यहाँ पे कंट्रोल सी दबा के इसका कॉपी करना है। यहाँ पे WHO तो कॉपी नहीं हो पाएगा, लेकिन आप यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर मेरे लिए पिप इंस्टॉल और यहाँ पे पेस्ट कर देगा पेस्ट, और यहाँ पे .WHL लगा दीजिए और आपका पाई ऑडियो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसका यूज़ कैसे करेंगे तो एक नई फाइल बना पाएंगे और अच्छी डेस्कटॉप में और यहाँ रखूँगा ट्यूटोरियल मिनी स्पीच रिकॉग्निशन। इसके बाद आप क्या करेंगे, आर डॉट पॉज थ्रेशोल्ड इज इक्वल्स टू 1 एंड वी आर नॉन सिग्नल फ्रॉम नॉन स्पीकिंग स्पीच है, तो उसी के फॉर्म कंट्रोल में करके अगर मैं यहां पे आऊं तो देखिए ये रहा, यहां पे आर डॉट पॉज थ्रेशोल्ड, यहां पे काफी कुछ है, डायनामिक एनर्जी थ्रेशोल्ड सब कुछ यहां पे, सिग्नल फ्रॉम नॉन स्पीकिंग आर यू बिफोर आर फ्रेज इज कंसीडर्ड कंप्लीट, यानी ये सोचिए कि कंप्लीट हो गया है। ये इसको बचाने के लिए आप कितना वक्त इसको देना चाहते हैं, अगर आप कोई शांत है तो अभी मैं आपको एंटर करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा आर यू इज इक्वल्स टू
आगे इज इक्वल टू आर डॉट लिसन, लिसन कहाँ से करेगा सोर्स से, सोर्स मैंने सोर्स कर दिया और उसके बाद आप एंटर करेंगे। आप देखिए हमें ट्राई करना है, ट्राई का बटन जब लगता है एरर आएगा, ट्राई ट्राई कर रहे हैं। क्या ट्राई करेंगे हम, क्वेरी प्रिंट इसके बाद हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है कंटिन्यूअस तरीके से और इसको रन करके देखते हैं। मॉड्यूल स्पीच रिकॉग्निशन और ओ यहां पे गलती मैंने कर दी, माइक्रोफोन का माइक्रोफोन कंट्रोल से कर दो फिर से और रन कर दी। हेलो आई वी हियर ऑन माइक सर हेलो, देखा ये हमारा काम कर रहा है और मैं इसको सुनाना चाहता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो इतनी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आज की नई वीडियो कभी हो रही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।